सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करेंस ने व्लॉग। तो भाई कैसे आप सब, और मैं जा रहा हूँ आज अपनी बाइक वापस दोबारा सर्विस सेंटर से कलेक्ट करने, क्योंकि मेरे को हो गए 3 दिन वेट करते हैं लेकिन वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आया। सो मैंने सोचा कि मैं आज खुद ही जाता हूँ और तभी जाके काम कराऊँगा और फिर वापस से लेके आता हूँ। तो अभी बस निकला हूँ, रैपिड वाले भैया आए हैं और अभी पहुँचते हैं फटाफट से। और धूप हो रही है भाई, एकदम बढ़िया गजब की गर्मी, साथ में और मसाला ऐड कर रही है। गाड़ी देखो कितनी गंदी कर रखी है, धोते नहीं है कुछ लोग गाड़ी को, इतनी गंदी गाड़ी में कैसे ही चल लेते पता नहीं। और ये गाड़ी देखो डिफेंडर, सबसे बढ़िया लगते भाई आजकल एसयूवी में। अरे भाई की स्कूटी देखो, ये बना रहा है इसका यो भाई। मैंने पहले सोचा था कि मैं कैब से आ जाऊँ, लेकिन कैब से एक तो टाइम भी लगेगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पे 120 रुपये में काम हो रहा है, वहाँ पे 280 रुपये में काम होता, तो मैंने कैंसिल कर दिया। और भाई लू चल रही है तो सही में कोई नहीं। आज फिर से भाई वही सेम जाम लगा हुआ है। ये नारायणा का जो फ्लाईओवर है ना, ये रिपेयरिंग वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से पूरा जाम ही लगा रहता है। तो भाई अगर कोई नारायणा की तरफ जा रहा है, कीर्ति नगर जा रहा है, रजौरी जा रहा है, या इस वे को यूज़ करना, तो थोड़ा सा ध्यान रखे, यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या आने वाली है। और मैंने भैया को भी बोला कि आप यही वाला शॉर्ट कर लो, जिस दिन मैंने लिया था साइड वाले पेडेस्ट्रियन वे से चल रहे हम। चलो भैया जंप कराओ यहाँ से बाइक। ये अंकल यहाँ टेढ़े जा रहे हैं इससे। चल भाई अलग के देख, पीछे देखने में किधर आए। इतना ट्रैफिक है आज भी। और फाइनली मैं पहुंच गया हूँ भाई सर्विस सेंटर। अब अंदर जाके देखता हूँ इन्होंने किया गया जिनकी लंका लगाते हैं। चलो ये होगी अपनी KTM की भाई सर्विस, पूरी पूरी खोल दी है तो भैया ने। नेक्स्ट खर्चा इसका शोकर का है क्या? शोकर का खर्चा आएगा अगला, देखेंगे वो भी। वाह वैसे तो साफ ही है, टायर भी चेंज कराना पड़ेगा। और बाइक भी एकदम रेडी है और कोटिंग चल रही है भैया, कोटिंग जैसे ही होती है 10-15 मिनट फिर चलते हैं अपने घर, उनको घुमाएंगे घर जाके। मेरे का वेट कर रहा होगा। सो भाई अपनी KTM रेडी हो गई है, ये रही अपनी KTM और लेके निकलते हैं। ये रहा गेट पास, यू किसको देना भैया गेट पास? आपको, ये लो। और बिल कितना आया वो मैं घर जाके बताता हूँ। अभी तो चलते हैं, अपना एक GoPro जो है जेब में था उसको डाल लेते हैं वापस अपने बैग में। चलो भाई अब देखते हैं इसकी पावर कितनी बड़ी होगी। अरे भाई ये लो अपनी KTM चल पड़ी। वाह भाई थोड़ी चीज़ें तो चेंज हो जाती हैं बाइक में सर्विस के बाद, ऑब्वियस है कि भाई इतने पैसे लगेंगे तो चीज़ में तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा ही। बाकी मैंने ये वाली जो विंडशील्ड है इसके लिए पूछा था, वो कह रहे अरे भैया क्या 2000 रुपये लगाओगे, आप इसमें ना रैप करवा लो, 200-250 रुपये का काम हो जाएगा आपका। कह रहे आराम से चलाओ, अगर नहीं होता तो आ जाना किसी दिन बदलवा लेना, 10 मिनट का काम है। मैं चलो सही है, बाकी तो बाइक में कोई कमी नहीं है। वाह क्या पिकअप है, एयर फिल्टर चेंज हुआ भाई, एयर फिल्टर चेंज होने से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। काम कर दिया भाई,
एक ही उस पर मतलब सिंगल सिंगल लाइन चला दी। अब यहाँ पे देखो कितना जाम लगेगा, और जिस दिन ये जाम तगड़ा लग गया ना उस दिन समझ लो कि 3 घंटे तो यहीं खड़ा रहेगा आदमी, इतना भयंकर जाम लगता है यहाँ। अब देखो इन्होंने दो दो कर ली, एक जाने वालों के सिंगल सिंगल है। यही होता है ना इंडिया में, लोग समझते नहीं है कैसे इनको चलना चाहिए, डिस्टर्बेंस हो जाती है पूरी ट्रैफिक में। ओ भाई थोड़ा साइड दे दे पाजी, सारे पाजी बैठे हैं। निकल गई भाई अपनी बाइक। ओ भाई साहब अभी बच गया ये, अगर ज़्यादा थोड़ी सी स्पीड होती ना बाइक में इसके अंदर ही जाके घुसती, और फिर रोता ये। चलो भाई निकले ट्रैफिक से। वाह भाई वाह। और अब चला करेंगे भाई संडे राइड्स पे, तो जिस भी भाई को बहन को पड़ोसी को अड़ोसी को जो भी इंटरेस्टेड है, जिसके पास बाइक है स्कूटी है, वो भाई ज़रूर कमेंट करे और ज्वाइन कर सकता है। जो जो ज्वाइन करेगा एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी अपडेट्स जो हैं आप लोगों के लिए मैं भेजूंगा कि हम किस दिन की कहाँ की राइड प्लान कर रहे हैं। कोई चार्जेस नहीं है भाई, एकदम फ्री, अपना आराम से आपने स्कूटी बाइक उठा के और आराम से मॉर्निंग राइड पे जाएंगे। वहाँ पे अगर कहीं किसी जगह पे रुक रहे हैं, सपोज़ किसी टी स्टॉल पे, कहीं रेस्टोरेंट पे, कहीं कहीं पे भी अपना अपना खाओ, बस एक ही है कि गेट टुगेदर है वो, और बाकी इसमें सच कुछ नहीं है कि हमें कुछ मुझे कुछ अर्न करना है या मतलब किसी और से स्पॉन्सरशिप लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक ग्रुप चाहिए अच्छा सा जो राइड पे जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, दैट्स इट। किधर है भाई पेट्रोल? और गाड़ी देखो वो खड़ी सामने, कैमरो। कौन सा पेट्रोल है मैम ये? नॉर्मल और XP95। ये भर दो, कितना फ़र्क है, 4 रुपये का जा, भर दो ये भर दो। इससे भी ऊपर है कोई? यही दो, यही डाल दो उसमें, 1 रुपये में क्या ही फ़र्क आएगा, फुल कर दो। सर कार्ड अप्लाई करवाएंगे? किसका जी? अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऊपर है तो और भी बता दो, मैंने बता दिया। वाह क्या गाड़ी लग रही है भाई साहब, ये लेके आने अब तो इस पे जी आ गया। मस्टैंग की जगह कमैरो आएगी, टंकी फुल पैसा गुल, ये काम हो गया भाई आज तो। और कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ये टेप क्यों लगी है, ये बेसिकली इसलिए लगी है क्योंकि इसकी मीटर के यहाँ पे जो एक रबड़ होती है ना वो क्रैक हो गई थी, तो यहाँ पानी ना जाए धोते हुए, इसलिए लगाई है। यहाँ पे भी रैप करवा देंगे क्योंकि ये पूरा मीटर चेंज होता है, ये सिर्फ रबड़ नहीं मिलेगी, पूरा मीटर चेंज होगा, और पूरा मीटर चेंज कराना कोई सेंस नहीं बनती क्योंकि 10,000 रुपये का है, तो ये जुगाड़ सबसे बढ़िया रहेगा रैप वाला। बाइक लेके भाई मैं आ गया हूँ घर, और घर आती बूनू ने किया बहुत सारा प्यार, और अब अपनी स्टिक उठा के लाया है, बैठ के खा रहा है, नए वाले स्टिक है इसकी। ये कहाँ गिरा दी? फिर नीचे गिरा दी इसने, सोफे पे बैठ के खाएगा, नीचे गिराता रहता उसको। रुक मैं देता हूँ, ये उठा के लाया, ये बैठा और अब खाएगा। ये फिर गिरेगी इसकी, फिर गिरेगी ये नीचे, इसको कोई मतलब नहीं है, गिरे तो गिरे, मैं तो यहीं बैठ के रहूँगा, यहीं गिरे। ये थोड़ी ना हार्ड है इसलिए ना बहुत देर में खाई जाती है, इससे कम से कम इसको खाने में ना 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, पर खा पूरी जाता है। छोटा सा तो इसका मुंह है, छोटा सा तो मुंह है मेरे चूहे का। ओए होए 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 ओए होए होए होए, खा लेगा तो इसको पूरी, खा लो पापा। कैसे पकड़ रखी, हाथ में पकड़ के ऐसे बैठा रहेगा और खाता रहेगा, इसको अच्छी लगती है वाली। हम नेक्स्ट टाइम से ये भी लाया करेंगे इसके लिए, ये ज़्यादा सही रहती है, बहुत दिन चलती है इसकी। और ये रहा भाई KTM की सर्विस का बिल, ये देखो पहला इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल ही 1580 का है,
ऑयल फिल्टर है 80 रुपये का, स्ट्रेनर कैप 48, सेट फॉर्क ऑयल सील, ये ऑयल सील जो कटी हुई थी दोनों शॉकर की ये 850 रुपये की आई है, और जो शॉकर का ऑयल है वो 598 रुपीस का आया है। कूलेंट जो है 223 रुपये का है, एलिमेंट फिल्टर 290, फ्रंट ब्रेक पैड 420, रियर वाले सस्ते हैं 260 के, रिंग ओ ये देखो ये 6.19, मैश स्ट्रेनर असेंबली 49, बल्ब जो एक फ्यूज़ हो गया था 325 रुपये का, और बॉल्ट सॉकेट 24 रुपये, स्ट्रैप केबल 4.41। मतलब ये छोटी सी चीज़ है जो इन्होंने लगाई है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये 5 रुपये की ये भी ऐड कर, चलो जी 4756 हो गया। नेक्स्ट, अब ये भाई इनकी लेबर है, पहली लेबर है सर्विस पे 795 रुपये, चेन लुब्रिकेशन विद मोटुल 177 रुपये, कंज्यूमेबल्स 88, टेफलोन कोटिंग करी है 206 रुपये। ये मतलब कोई खास इसमें कोटिंग करी नहीं है, बस नॉर्मल सी एक टंकी में लगाया था जो मैंने दिखाया, बस वही है, कुछ खास नहीं है। KTM लेबर 295, KTM लेबर 002 162, फॉर्क ऑयल सील ये जो है 295, कूलेंट फ्लैशिंग एंड रिफिल 295, आउटसाइड लेबर 472, और बस 2787 रुपये हुआ, टोटल हुआ 7544 रुपये। फिर इन्होंने एक और ये जो है ये निकाला है, और इसमें क्या है एक्स क्लीन इन्होंने लगाया है 437 रुपये का, और ये राउंड ऑफ करके 438 रुपये का, और फिर इन्होंने टोटल जो बिल है वो अराउंड मेरा 8000 का हो गया है। और भाई अब मैं लेके चलता हूँ बूनू को, क्योंकि बूनू बहुत देर से बैठा है कि पापा मेरे को लेके चलो, सुबह ये जल्दी गया था, भाई इसको बहुत सुसु आई होगी भाई बहुत तेज, तो मैं इसको भी लेके चलता हूँ, बेचारे को ऐसे नहीं कहते यार, हमारा काम है तो इसका भी तो ध्यान रखना है ना, मैं है ना बूनू, चले भाई चलो पापा। और आज हमारी लड़की ने बनाया है स्पेशल, ये क्या है लेमन राइस, लेमन राइस बूनू और मैं खाएंगे, बूनू ये बैठा, बूनू भी खाएगा मैं भी खाऊंगा, और ये रही हमारी लड़की, शक्ल दिखा दे जरा अपनी, ये थक गई है, थकेली चल भाग ऐसे बूनू, चल चल खाएंगे हम, जरा टेस्ट करके बताओ कैसे बने भाई। अच्छा, और आज के ब्लॉग को भैया यहीं ख़त्म करते हैं, आज हमने एक नया काम किया वो है अपनी बाइक की सर्विस जो बहुत ज़रूरी थी, सो आज का दिन बस यही था, अब मिलेंगे आपसे कल नए दिन पे नई शुरुआत के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।